बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। वेल हेलो डॉक्टर, में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो ऐसा टॉपिक है जो आज के सिनेरियो के बहुत अरसों से ये जो चीज़ है ना, इस पर लोगों की ना दिमाग बच्ची बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है और उसके बाद ना इतनी कोशिशों के बाद भी जब गोल्स अचीव नहीं होते ना, तो ये इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ना ये बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझ सकता। येस आई एम टॉकिंग अबाउट डाइट न्यूट्रिशन, बिकॉज जब से ये कोविड ने एंट्री मारी है, कोविड के बाद से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैमर हो चुकी है, इट्स गेटिंग ट्रिगर्ड डे बाय डे। खाने के शौकीन हम बहुत हैं, लेकिन किस तरह से हमारी डाइट को हमें प्लान करना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन गोल्स को किस तरह अचीव करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि मे इट बी लूजिंग वेट, मे इट बी डाइटरी चेंजेस, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक डाइटिशियन को फॉलो करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। विद द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आउट देयर, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अप्रोच किस तरह होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और यहाँ पे आपको एक डाइटिशियन को अप्रोच क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए वी हैव अ फैंटास्टिक वंडरफुल डाइटिशियन फ्रॉम नागपुर एंड शी इज नन अदर दैन डॉक्टर सोनल कोल्हे। डॉक्टर सोनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेल डॉक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, सबसे पहले तो ये टर्म जो है इसे प्लीज रिफाइन कर दीजिए। यस, डाइटिशियन मीन्स बहुत ज्यादा जो क्वालिफाइड रहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लिया है, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड न्यूट्रिशनिस्ट इज समवन जो सर्टिफाइड रहते हैं मोस्टली, जिनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ रहता है और क्लिनिकल बैकग्राउंड जो है वो उतना नहीं रहता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। हमें कब अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज हम ये बहुत कन्फ्यूज होते हैं, द पीपल हु एक्चुअली नो देयर गोल्स, बट बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हमें एक डाइटिशियन को कब अप्रोच करना चाहिए। एक्चुअली खाना ऐसी चीज़ है कि सिंस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क मीन्स जब से बर्थ होता है तो लास्ट ब्रीद ऑफ आवर लाइफ हम खाना खाते ही है, एवरी ओकेजन। सो जहाँ जहाँ फूड का काम आता है डाइटिशियन के पास, बट मुझे लगता है जहाँ जहाँ क्लिनिकल अप्रोच आता है, जैसे कि आप प्री डायबिटिक हो, आपका वेट ज़्यादा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बारे में बहुत चीज़ें बोली जाती है, तो इस जगह पे बहुत अच्छा आजकल डाइटिशियन कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स होता है डायबिटीज, ये नया कंसेप्ट आया है आजकल। प्री डायबिटिक स्टेज में आप हो तो यू कैन रिवर्स। अगेन पीसीओडी का है तो पीसीओडी के लिए भी, पीसीओडी या पीसीओएस जिसे बोला जाता है, वी डोंट हैव एनी मेडिकेशन फॉर दैट। सिर्फ डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हो तो वो रिवर्स हो जाता है, आपकी सिस्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन की स्टेज जिसे भी चाहिए उन्होंने डाइट फॉलो करना चाहिए। वॉट यू थिंक कि अभी पहले के ज़माने में, जो हमेशा मैं कहती हूँ व्हेन आई इंटरव्यू एनी डॉक्टर एनी स्पेशलिस्ट, कि पहले ये सारी तकलीफें नहीं थी, इफ वी टॉक अबाउट अनदर डिजीजेज एज वेल, बट अब धीरे धीरे ना नई नई बीमारियों के नाम पता चल रहे हैं। और क्या लगता है कि अगर हम डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते हैं और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, ओबेसिटी बढ़ गई है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं इस पे हैमर होती है, तो क्या हमारा लाइफस्टाइल ही इसका एक फॉरमोस्ट रीज़न है? यस, यस, एक्चुअली डायबिटीज़ है, थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कार्डियक डिसीजेज और वेट गेन, एक्चुअली ये दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल खराब होती है और हमारी जीन्स में ही है डायबिटीज अगर हम बोलते हैं तो। लेकिन एज ऑफ डायबिटीज
डिक्रीज हो गया है. पहले वो 60s में होता था, 70s में होता था, अभी वो 30s में या 20s में अगर हो रहा है तो वो एज जो है वो कम हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब है, खाने की आदतें खराब है. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक जमाना था जब इंडिया में खाना कम मिलता था. वेरी ट्रू. अभी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का. सो माल नरिशमेंट ओवर बोलो या अंडर, अभी ओवर न्यूट्रिशन और ओवर पैम्परिंग बोलिए, उस वजह से हमारे बच्चे भी चाइल्ड ओबेसिटी एंड ये सब चीजें एक्चुअली, क्योंकि अब ना मैं ये कहूँगी कि फूडी हर तरह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं. नागपुर के लोग तो खाने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं और चटकारे लेके खाने में ना लोगों को इतना मज़ा आता है. लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी ये है कि अगर हमें डाइट प्लान्स फॉलो करने हैं तो हमें सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और बहुत ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी, तो क्या ये जो मिसकंसेप्शन आपको ज़रूर दूर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं. अगर आपको आपकी डाइटिशियन बोल रही है उबला हुआ खाना खाइए और बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तो वो डाइटिशियन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमको उसी तरह सिखाया जाता है. अल्टरनेटिव ऑफ फूड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड. साल का न्यूट्रिशनल हमारा एक वीक मनाया जाता है, 10th ऑफ जनवरी डाइटेटिक डे रहता है. उस दिन का एक थीम था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड. ओके, बहुत सारी चीजें आप अपने खाने में ला सकते हैं. अच्छा. हम थोड़ा मोनोटोनस हो जाते हैं और फूड खाने की चीजें जिससे हम बने हैं, तो ऐसी चीज जिससे हम बनते हैं वो खराब हो ही नहीं सकती. Actually. वो चाहे जंक हो या यू नो कोई भी एनी काइंड ऑफ यूरोपियन वेस्टर्न चाइनीज जो भी हो. आई एग्री. बस कितना खाना है, कब खाना है, कैसे और कौन सा खाना है, कौन सा खाना है, ये तीन चीजें, हाउ व्हाट एंड व्हेन, इस पे लिमिट, इस पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए. ओके ओके. सो अगर 365 डेज है तो 65 डेज खाइए ना, बाकी 300 डेज हेल्दी खाइए. हेल्दी खाना भी यार खराब थोड़ी होता है, हेल्दी को भी आप स्वादिष्ट बना सकते हैं. डेफिनेटली. एक्चुअली एंड देर आर सो मेनी रेसिपीज आउट देयर. आप तो इतने ज्यादा शार्प हैं कि कहीं ना कहीं आज तो एक टैप पे सब कुछ मिल जाता है. नहीं, इवन अगर विल कंपेयर समोसा, हाँ, तो घर का समोसा इज मोर हेल्दियर देन द बाहर का, क्योंकि मैंने सुना है कि एक एक दो दो महीना वो जो तेल में तलते हैं तो वो दे कंटिन्यू कीप ऑन फ्राइंग, तो वो सबसे खराब चीज है. लेकिन घर में तो आप उसको एक ही बार यूज करेंगे. तो, और आजकल तो एयर फ्रायर्स भी आ गए हैं और वो ऑयल भी आप एक ही बार यूज करें, तो व्हाई नॉट वंस अ व्हाइल आप घर का बना हुआ समोसा खाएं, है ना, मैदे की जगह होल ग्रेन वाला जो आटा है वो यूज कर लीजिए. और पोटैटो या आलू बिल्कुल खराब नहीं है, वेरी ट्रू, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन है. लेकिन दिस कांसेप्ट बस वही है कि हाँ, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा टोका जाता है कि आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, बिल्कुल खाइए एबीसीडी एक्सवाईजेड. लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही कि दिन में कितनी बार खाना चाहिए. आपके पास रोजमर्रा के सवाल ऐसे ही होते होंगे, मैं भी यही पूछना चाहूंगी क्योंकि जनरल क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में बहुत है. मैं आपके सारे सवालों के जवाब ना आज डॉक्टर सुनील से बिल्कुल लेने वाली हूँ. दिन में किस तरह खाएं, कितना खाएं, ये प्रोपोर्शंस प्लीज. सिंपल है, आपका लाइफ स्टाइल या आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, उस हिसाब से आपके खाने के पैटर्न को बिठाइए. क्योंकि अगर मैं आपको दिन में 5-6 बार खाने को बोलूं और आपका वर्किंग स्टाइल जैसा है, जैसा कि आप हो, आपके टाइमिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, तो अगर मैं आपको बोलूंगी तो आप वैसे नहीं फॉलो कर पाएंगे. लेकिन कोई है जो फॉलो कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में उनका एक जगह सिटिंग है और इफ आई आस्क देम टू ईट 4-5 टाइम्स अ डे तो वो कर सकते हैं. तो हर एक का डाइट और हर एक के टाइमिंग्स ऑफ जो फूड है, हम उस के हिसाब से, उसकी वर्किंग स्टाइल, लाइफस्टाइल कैसी है, उस हिसाब से प्लान करते हैं. मोस्टली बोला गया है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में छोटे छोटे 3-4 बार के स्नैक्स आप ले सकते हैं. जैसे हैंडफुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट का एक सर्विंग हो सकता है जो इन बिटवीन लंच और डिनर के साथ ना लेते हुए जब भी आपको भूख लगता है उस टाइम पे लीजिए. सो टी लवर्स, यू नो इंडिया में टी लवर्स और कॉफी लवर्स बहुत है, तो वंस अ वाइल टी
जो अगर आपको लगता है कि शुगर आप कम खा रहे हैं तो एक कप चाय या एक कप कॉफी बनती है. वेरी ट्रू. तो इस टाइप के सर्विंग को भी हम काउंट करते हैं मील्स में. तो ऐसे 7 to 8 हो सकता है. हमें एक साथ ना खाते हुए, क्योंकि ये हमेशा हम सुनते हैं कि हमेशा, अब हमारा इंडियन स्टाइल कैसा है कि हम जब खाने बैठते हैं ना बहुत भरपेट खाना खाते हैं. तो जब डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कोई प्रेफर करते हैं और तब वो कहते हैं कि एक साथ ना खाते हुए इंटरमीटिंग धीरे धीरे ये फैक्ट है. बट ओवर ईटिंग कोई भी मील में नहीं चाहिए. अगर यू नो यू रिक्वायर 1700 to 1800 कैलोरीज अगर आप वेट लॉस में हो या डायबिटिक हो, तो 1700 या 1800 कैलोरीज आपको ही उतनी ही लेनी है. ऐसा नहीं कि आपने लंच में ही 1700 एक साथ ले ली और फिर बाद में और ले ली. ये तो वर्क नहीं करेगा. यस. तो बहुत सारे डाइट्स ट्रेंड में है. लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि दो ही टाइम पे खाना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि अगेन वो पर्सन टू पर्सन वैरी होता है. कुछ लोग बिल्कुल क्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. उनका हाथ जाता ही है किचन के ड्रॉवर्स की तरफ. तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि चलो आप लंच करने थोड़ा सा बाद में खा लो क्योंकि आपको भूख सहन नहीं हो रही है. बट दोज की नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद द 2 or 3 मील्स. बीच में वी विल टेक अ वाटर क्योंकि वाटर इनटेक भी बहुत जरूरी है. तो उस तरह से भी प्लान बनते हैं. ओके. पोर्शन कंट्रोल कहने के लिए कहा जाता है एक डाइटिशियन, ये पोर्शन कंट्रोल किस तरह मेजर होता है? या क्लिनिकल डाइट्स लाइक कार्डियक डायबिटीज या इस तरह से किडनी के जो डाइट्स बनते हैं वेट लॉस में भी मोस्टली, तो वी आर यूजिंग फूड एज अ मेडिसिन. ओके. क्योंकि जो भी डिसीज का एग्रवेशन होगा, लाइक अगर कार्डियक हम देखते हैं तो अगर हमको फैट्स नहीं देने हैं, डायबिटीज है तो हमको कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने हैं, है ना, किडनी है तो वी नीड टू कंट्रोल अवर प्रोटीन इनटेक. ओके. सो ये चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आपका डाइट बनाना है. ऐसे नहीं कि दाल रोटी सब्जी चावल, अच्छा प्रोटीन ज्यादा लेना है, तो हर एक का डाइट एक जैसा नहीं बनेगा. तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है क्योंकि वी आर यूजिंग फूड एज अ मेडिसिन. तो फूड को, अगर मेडिसिन को आप कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हो 500 मिलीग्राम ले रहे हो, आपका पोर्शन अगर वहां पे तय है वंस अ डे या ट्वाइस अ डे ले रहे हो, वैसे ही फूड में भी हमारा पोर्शन फिक्स रहना चाहिए. कि अगर मैं डायबिटीज की मेडिसिन ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मेरे इतने कार्ब्स वहां पे जाने चाहिए. लंच में इतने जाने चाहिए क्योंकि मेरी शुगर नहीं बढ़नी चाहिए इन स्पाइट ऑफ आई एम हैविंग मेडिकेशंस, या कम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ. सो इसको हम पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं विद द क्लिनिकल एस्पेक्ट. और वेट लॉस में अगेन पोर्शन साइज, कैलोरीज को कैसे डिवाइड करते हैं, आप 3 मील में या 10 मील भी अगर ले रहे हो तो उसको आप कैसे डिवाइड करते हो थ्रू आउट द डे, इसे बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल. ओके. एंड व्हाट इज दिस कैलोरी डेफिसिट, किस तरह से किया जा सकता है? ये अगेन एक स्टैंडर्डाइज प्रोफॉर्मा रहता है, लाइक रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक आरडीए हम बोलते हैं. तो इंडियंस के लिए एक फिक्स कैलोरीज रखी है फॉर इंडियन मेल्स फीमेल्स. बच्चों से लेके बड़ों तक वो कैलोरीज का सब हमारे पास रहता है एवरी ईयर का. तो अगर किसी का वेट लॉस हम चाहते हैं तो हम कैलोरी डेफिशिट यानी कैलोरीज को थोड़ा कम कर देते हैं. और मोस्टली हमारी जो कैलोरीज आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है. सो हम कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं जिसके की शुगर भी कंट्रोल हो जाती है या वेट भी कंट्रोल हो जाता है. तो ये कैलोरीज, जैसे अगर एक इंडियन फीमेल का 1900 कैलोरीज बोलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो हम इसको कम कर देते हैं 1800, 1700, 1600, ये कम करते करते थोड़ा सा वेट भी कम हो जाता है. एक्चुअली अगर हम एक अप्रोप्रिएट वेट की बात करें फीमेल और मेल की, और तो ये क्या होना चाहिए, अगर एक वेट इतना होना चाहिए हाँ एक वर्किंग लेडी का, या फिर इट्स अगेन डिपेंड टू द हाइट एंड वेट. फिर भी एक अगर अंदाजा, तो शायद जो महिलाएं बैठी हैं वो सोच में लग रहे हैं कि अब हम ओवरवेट हो गई, अब हमें करना चाहिए. तो बेस्ट टूल टू मेजर दिस इज बॉडी मास इंडेक्स. ओके. ये आपको गूगल पे भी इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आजकल. बस हाइट एंड वेट, इसमें आपका आइडियल वेट इन बिटवीन 18.5 टू 23.5 के बीच में आना चाहिए. ओके. सो एज आप आइडियल बॉडी वेट में हो विथ योर हाइट एंड वेट, ये एक रेशियो निकलता है. सो दिस इज द बेस्ट टूल, बॉडी मास इंडेक्स.
ओके सो व्हाट फूड वी शुड अवॉइड टू हैव अनकंफर्टेबल सिम्टम्स अगर वी आस्क फॉर अनकंफर्टेबल सिम्टम्स लाइक ब्लॉटिंग गैस्ट्रिक ट्रबल्स टू दिस यस अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी होता है बट बहुत ज्यादा गैपिंग्स जब हम फूड में रखते हैं तो बहुत लोगों को ब्लोटिंग या एसिडिटी का बहुत तकलीफ होती है कॉन्स्टिपेशन इज अगेन एक्चुअली इट गेट्स हां यस फॉर जो भी ओबेज लोग रहते हैं कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इशू उन्हें रहता है तो इनटेक ऑफ वेजिटेबल इन अ रॉ लाइक सैलेड उसको बोलना गलत होगा क्योंकि बहुत लोगों को सैलेड एक्चुअली बहुत नफरत होती है इस वर्ड से बट बहुत सारी वैरायटी अगर हम इंडियन कुजींस में देखें बहुत सारी वैरायटीज हमको अचार रायता या इस टाइप में मिल जाती है अचार नहीं बोलना चाहिए रायता या कोशिमबीर बोलते हैं या चटनी बोलते हैं एन नंबर ऑफ वैरायटीज आर देयर तो वो अगर हम इंक्लूड करते हैं हमारे खाने में क्योंकि वो रॉ रहते हैं एक्चुअली तो उसमें फाइबर्स हमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं ओके तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो आप ट्रीट कर सकते हैं इवन चिया सीड एंड सब्जा सीड इट वर्क्स फैंटास्टिक ऑन कॉन्स्टिपेशन ओके अगर किसी को होता होगा उसका रात को वन स्पून अगर पानी में लेके आप लेते हो तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है एंड फॉर गैस्ट्रिक जैसे गैसेस का किसी को प्रॉब्लम होता है तो वी नीड टू रूल आउट कि कौन से फूड स्टफ लेने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है जैसे गोभी है कॉलीफ्लावर से मोस्टली होता है तो वो आपको रूल आउट करना पड़ेगा बैठ के किस तरह आप पे क्या वर्क कर रहा है यस ओके ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वॉन्ट टू नरिश अ बॉडी और कहीं ना कहीं उसके साथ हमें वेट भी मेंटेन करना है हाउ टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग You just need to follow the timing first. पानी का intake आपका proper होना चाहिए and balancing of food is with carbohydrate, protein and fat. Okay. तो हम लोगों का क्या हो जाता है Indians जो mostly carbohydrate का portion अगर 60-70% हम रखते हैं तो वो और फैट बड़ा ज्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं और प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हो जाता है दाल रोटी सब्जी चावल में बहुत लोग दाल लेते ही नहीं है कर्ड रहता ही नहीं है मिल्क रहता ही नहीं है बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस का खाना अच्छा नहीं रहता बट चीजें जरा हम कार्बोहाइड्रेट की तरफ ज्यादा चले जाते हैं तो थोड़ा सा रिड्यूस हम कार्बोहाइड्रेट को कर ले और प्रोटीन का एक प्रॉपर इनटेक हम ले तो आई थिंक बहुत अच्छा इम्पैक्ट या आप वेट जो है आपका कंट्रोल में रख सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक आप मिठाइयाँ खाना बंद कर दीजिए मिठाई में गुड़ शक्कर शहद ये भी मीठा होता है मिथ इज देयर कि अगर गुड़ खाया जाता है यस बट दैट इज मिथ इट हैव सेम कैलोरीज क्योंकि शुगर केन से ही बनने वाली चीज है तो बस प्रोसेसिंग जो है शक्कर की और गुड़ की वो अलग रहती है अदरवाइज और पहले वो बड़े ऐसे आयरन वेसल में बनते थे लेकिन आजकल वैसे नहीं बनते तो वो आयरन आता है ऐसे बोलते थे लेकिन आजकल तो मशीनों ने ले लिया हाँ बस बस भाई तो अदरवाइज दोनों में कैलोरी सेम है ये मिथ है इवन द शहद जो मद बोला जाता है हनी जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकता है क्योंकि वो फूलों से आता है हर तरफ के तो हो सकता है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज्यादा हो बट कैलोरी सेम है ओके लव यू दीपिका बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बहुत बड़ी गलत धारणा है जो आज दूर हुई है, बिकॉज आपने भी कई बार सुनी होगी और मैंने भी इम्प्लाई की है कई बार दैट हनी या फिर गुड़, क्योंकि कई लोग जो चाय के बहुत शौकीन होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप शुगर कट ऑफ करके आप गुड़ की चाय पीजिए। तो सोनल मैम का यही कहना है कि गुड़ भी कहीं ना कहीं मीठा तो है। वही मेरा एक बहुत बड़ा बहुत टाइम से दिमाग में सवाल था, व्हाट अ प्रॉपर मील शुड लुक लाइक अकॉर्डिंग टू यू? इट शुड लाइक यू नो, एक थाली हो जिसमें सैलेड हो बहुत सारा, दाल हो, कर्ड हो, राइस हो एक क्वांटिटी में, एंड रोटी, ओके, सब्जी। बस अगर आपको वेट लॉस के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक ग्रेन चूज कीजिए, आइदर रोटी या राइस। अच्छा, एक मील हाँ. अगर आप लंच में राइस ले रहे हो तो रोटी स्किप कीजिए, रोटी ले रहे हो तो राइस स्किप कीजिए। अगेन बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अबाउट राइस, व्हाइट राइस। व्हाइट राइस मैम, वी हैव ब्राउन राइस, हम ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस ये इस्तेमाल करें क्या? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि व्हाइट राइस बहुत अच्छा और न्यूट्रिशनल होता है, हमने उसे यूज करना चाहिए, बस तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। राइट, राइस में फाइबर्स कम होते हैं, स्टार्च ज्यादा होता है एंड प्रोटीन कम होता है, तो जो चीजें कम है उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। राइस में फाइबर कम है, सब्जियां डालिए, प्रोटीन नहीं है, दाल डालिए, राजमा राइस, छोला राइस, पनीर राइस, एग राइस, प्रोटीन राइस, सॉरी पनीर राइस, देन सोया राइस, तो आपका प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी है, फाइबर्स आ गए, फैट तो रहता है, राइस ब्रान ऑयल राइस से बनता है, सो दिस इज योर फुल मील। तो राइस को खाना है तो प्रोटीन और फाइबर्स के साथ खाइए, ओके, देन आई थिंक वो खा सकते हैं आप। ओके ओके, एंड कई बार ये भी कहा जाता है कि रात के डिनर में यू शुड बी वेरी इन कंट्रोल ऑफ, कि अगर राइस आप ड्रॉप करें, आप आलू ना खाएं, आप प्रॉपर खाना ना खाते हुए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक डिनर किस तरह का होना चाहिए? डिनर बहुत लेट नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि लोगों का डिनर 2 बजे भी रहता है रात को, सो इट शुड बी एटलीस्ट अप टू 8, ओके, राइट। और खाने में, रात के खाने में आपको पूरा ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी चीजें चाहिए, पर बहुत ज्यादा हेवी खाना मत खाइए, जैसे फ्राइड चीजें आप मत खाइए, जितना हो सके इजीली डाइजेस्टेबल होने वाला खाना खाइए, और प्रोटीन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ रोटी और सब्जी खा लिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं, या पिज्जा रहता है बहुत लोगों के इसमें, या पाव भाजी खा रहे हैं, तो पाव भाजी इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, इडली अगर खा रहे हैं, इडली में तो भी हमको थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जिसमें बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली है, ऐसी भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मेंटेनेंस में जाती है बॉडी जब हम सोते हैं, तो इस टाइम पे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। ओके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डिनर के बाद हमें एज सच कोई वर्कआउट नहीं है, या फिर हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हार्डली हम थोड़ा टीवी देखते हैं या फिर टाइम पास करते हैं या फिर सो जाते हैं, क्योंकि लंच इसीलिए हमारा प्रॉपर होना चाहिए एज पर द डाइटिशियन सेज एंड न्यूट्रिशनिस्ट सेज, कि
लंच के बाद हमें कई काम होते हैं, हाउसवाइफ्स घर के काम होते हैं, वर्किंग लेडीज जो हैं वो बाहर के काम करती हैं, इसलिए डिनर लाइट होना चाहिए क्योंकि उसके बाद हमें कोई काम नहीं काम करना नहीं है, हमें सोना है, तो वो एटलीस्ट वो डाइजेस्ट होने में प्रॉपर एक और वो एक एक टाइम होता है कि जो 7 बजे और 8 बजे आपने कहा, फिर सुबह का जो फर्स्ट टेक है वो कितने बजे होना चाहिए? अगर आप जल्दी खाते हो तो आप सोते भी जल्दी हो, मोस्टली ये देखा गया है। सो अगर आप 7-8 बजे पहला मील आपका लेते हो, आपका ब्रेक फास्ट को ब्रेक कर रहे हो, तो पहले तो पानी से आपने उसको फास्ट को ब्रेक करना चाहिए क्योंकि लिक्विड हम बोलते हैं कि, एंड देन आपका जैसे डे स्टार्ट होता है क्योंकि वहां से डे स्टार्ट हो जाता है, लोग वर्कआउट करने जाते हैं, तो वहां से आपका ब्रेकफास्ट, आपके नट्स आप ले सकते हैं, वहां पे मेटाबॉलिज्म वाले मेटाबॉलिक ड्रिंक्स रहते हैं, कुछ डिटॉक्स ड्रिंक रहते हैं, उस टाइम पे आप वो ले सकते हैं। सो आपका जो स्टार्ट हो दिन का वो अच्छा रहे। इवन आप ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें ब्रेकफास्ट में रखें, जैसे एग्स बोलते हैं या स्प्राउट्स मोस्टली बोला जाता है। सो एज आपकी एनर्जी जो लेवल है वो अच्छी रहे और आपका स्टैमिना अच्छा रहे आपके काम करने के लिए, आपको नींद ना आए, एक्चुअली बॉडी में एनर्जी बनी रहे। सुनील मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहना चाहूंगी कि अभी एक वेट लॉस करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ तरीकास, अगर हम बोलें सम पीपल फॉलो इंटरमिटिंग फास्टिंग, सम फॉलो द डाइटिशियन प्लान, सम कुछ अलग, तो इतने सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि आखिर खुद के लिए अप्रोप्रिएट और खुद के लिए अच्छा क्या है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए? ये अगेन बहुत फैट डाइट है कि ये सेलिब्रिटी ने यू नो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हम ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट हमेशा अगर आपको फॉलो करना है तो बैलेंस्ड डाइट, ये हमेशा सस्टेनेबल डाइट हम इसे बोलते हैं, ये हमेशा आपको आप कर सकते हो लाइफ लॉन्ग। बाकी कोई भी फैट डाइट आप एक सर्टन लेवल तक या मंथ्स के बाद आप नहीं फॉलो कर पाते, तो डेफिनेटली बैलेंस्ड डाइट रखिए और कस्टमाइज प्लान बनते हैं डाइटिशियन के पास आपके हिसाब से, आपके बॉडी टाइप से, तो एक सलाह लेने का तो बनता है, एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए, गाइड तो चाची बाजू वाली आंटी या गूगल बहुत सारे लोग, ये तो मिल जाएगा, वेरी ट्रू। सो या एंड वी आर सो स्मार्ट, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि मैंने अभी 20 केजी वेट लॉस किया है तो आप, मैं आपको बताती हूँ मेरे राज, यू नो। सो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। एक ऐसा हमने हमारे डाइटेटिक एसोसिएशन ने एक एक ट्रेंड चलाया था क्वैक्स के अगेंस्ट, तो नेशनल लेवल पे, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते एक्चुअली, तो ये व्यूअर्स के यू नो लोगों के हाथ में है कि उन्होंने किसके पास जाना चाहिए। वेरी ट्रू। सो यहाँ पर अब दर्शकों में से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, वो मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगी, सब कुछ कर लिया सोनल मैम, फास्टिंग कर ली, डाइट प्लान फॉलो कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, हर चीज अपना ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? सब छोड़ दीजिए, डाइट तो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए, ओके, जस्ट अ सिंपल ईटिंग द वे आपके पहले, जैसे हम दाल रोटी सब्जी चावल, बट मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक, बैलेंस डाइट, अगर महाराष्ट्रियन बोलो या गुजराती या पंजाबी, हर कुजींस में या हर कल्चर में आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, और जो फ्राइड या तली हुई चीज सिर्फ त्योहारों पे बनती है, हर त्योहार की स्पेशलिटी रहती है, उसी टाइम पे उसको खाओ, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आप चेंज करते हो ना, बहुत बड़ा बदलाव आप खुद में देखते हो। हर एक को ये चीज मैं बोलती हूँ कि जो आपके आजू बाजू मिल रहा है उसको लो, क्योंकि उसका कनेक्ट है आपके साथ। अगर जवार है आपके बाजू में, आप बाजू वाले गांव में जवार हो रहा है, तो हैव इट, वो जरूरी है, क्योंकि आप जो मिट्टी से बने हुए हैं वही मिट्टी से वो भी आ रहा है, जो सीजन की वो सब्जी है वो आपके प्लेट में होनी ही चाहिए। कितने लोग हैं, जो यंगस्टर भी बोलो या एडल्ट, जिनको पता है कि सैलेड्स खाना है बट सालों से नहीं खाते हैं।
सो एक स्पेस उसके लिए भी रखिए, आप करके देखिए, बहुत इजी है. एक स्प्राउट तो अभी कहा, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मटकी चूसर, मुगा चूसर, वी ईट इट सिंस लॉन्ग. सो उसको आप कीजिए ना, और जितना कम प्रोसेस फूड आप खाएंगे. घर में बनी हुई चीज है लेकिन दो मिनट में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है. जो पैकेट से आ रहा है उसको अवॉइड कीजिए. पैकेट फूड मत खाइए. अचार घर में बना हुआ अचार बिल्कुल खाइए. जैसे कि समोसा भी मैंने आपको बोला, घर में बना हुआ खाइए, क्योंकि रोज तो घर में बनेगा नहीं. एक्चुअली तो घर में बनाई हुई चीजें खाइए, और थोड़ा सा सोच समझ के. बचपन से सब मम्मियों ने अगर ये आदत लगाई, ये बहुत बड़ी चीज है, और बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं. तो आप खुद का डाइट बदलिए, आपको डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं. मैं खुद एज अ डाइटिशियन बोलती हूँ कि कोई भी जरूरत नहीं है. थोड़ी थोड़ी चेंजेस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े चेंजेस आपको मिलते हैं. ओके. आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड का एक ऐसा टाइम था मैम, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि हम घर में बंद हो चुके थे, एंड हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो है खाना. एंड हमें इंटरवल्स में भूख लगती थी, एंड पीपल आई थिंक कि जो नहीं भी किचन में जाते थे, दे स्टार्टेड गोइंग टू किचन, दे स्टार्टेड बीइंग शेफ्स, दे स्टार्टेड ट्राइंग रेसिपीज एंड डिफरेंट क्यूजीन्स. जलेबियाँ बनी, केक्स बने, समोसे बने, और ये सारा ना कोविड के बाद दिखने लगा. तो ये समय पे कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला कि घर का खाना खाना है, घर पे बना के खाना है, सभी ने घर पे बना के खूब खाया है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ गई. और अब जो है ना, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, ओबेसिटी दिख रही है, एंजाइटीज इश्यूज हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली वो मैंने बोला कि त्योहार में बनने वाली चीज त्योहार में खाना चाहिए. सो रोज खाएंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट दिखेगा. बट बहुत बुरे इम्पैक्ट उसके बच्चों पे आए, मोस्टली जहां मैंने ऑब्जर्व किया. चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये एक रीजन लगा मुझे पैंडेमिक में. देन डायबिटिक एट द एज ऑफ 13, अगर आपको यू आर फेसिंग टाइप 2 डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज के बाद जो आता है, सो 13 में ये चीजें, 1-3-13 इज नॉट द एज. तो ये मुझे सबसे गलत चीज जो लगी ये. बाकी बहुत ऐसा एज ग्रुप था जिन्होंने डाइट वाला खाना भी बनाया या एक्सरसाइजेस भी बहुत की पेंडेमिक में. और फीमेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया क्योंकि कुकिंग सारा टाइम किचन में निकल गया. सो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये साल जब हम घर पे थे तो तब हमने बहुत फोकस किया होता. तो उस टाइम हमने फोकस करना चाहिए था कि हमारा रूटीन कैसे होना चाहिए. एक्चुअली हमने बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए एक्टिविटीज में, घर के एक्टिविटीज में, क्योंकि बच्चे अदरवाइज घर पे नहीं रहते. तो ये बहुत अच्छा टाइम था मदर्स के लिए कि बच्चों को किचन वर्क में वो इन्वॉल्व करें, वो हैबिचुअल चीजें सिखाई जाती. तो हाँ, तो वो सपोर्ट करता और आगे बहुत काम आता, और उनकी कैलोरीज भी बर्न होती थी. एक्चुअली यहाँ पर हमने सिर्फ ध्यान दिया कि हमारा इम्यून किस तरह स्ट्रांग हो. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेटाबॉलिज्म किस तरह स्ट्रांग किया जा सकता है? मेटाबॉलिज्म हर एक का अलग रहता है. सो अगर आप, एक कंसेप्ट है कम खाना, कम यानी प्रॉपर खाना चाहिए. तो ज्यादा जब हम खाते हैं तो हमें ना ड्राउजीनेस आता है, हम थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं. सो अगर आप प्रॉपर खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म मींस आपकी जो एक्टिविटी लेवल्स रहती है वो प्रॉपर रहती है. सेकेंडली आपका मेंटल स्टेट कैसा है उस पर भी आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स उस तरह से सिक्रेट होते हैं. एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्योंकि शरीर एक्चुअली मेहनत करने के लिए बना है लेकिन हम करते नहीं है. सो आजकल तो एलेक्सा आ गई है, बस यू नो. एक्चुअली सो मेटाबॉलिज्म अगर बूस्ट करना है तो आपका खाना एकदम सिंपल तरीके का होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज ना हो. सेकंड, आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए. और थर्ड, स्ट्रेस आपको कंट्रोल करते आना चाहिए. जी लास्टली आप जा रहे थे, हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही बोलूंगी कि खाना अगर आप खा रहे हो तो बहुत मत सोचिए, बट थोड़ा सोच समझ के आपके प्लेट में वो आना चाहिए, क्योंकि आप बने हो खाने से. तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड. तो हर सेल अगर 120 दिन के बाद डाई होती है और नई सेल आती है, तो आपके पास
हर दिन एक चांस रहता है कि आपके शरीर की जो डिसीज प्रोसेस है या सेल जो नई आ रही है उसको अच्छी तरह से वेलकम करे और उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे, सो एज एजिंग की जो प्रोसेस है और एजिंग के साथ आने वाले डिसीज जो है उसको आप रोक सको या उसको धीरे कर सको. सो ये डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए. खाना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना तो आपको है ही, तो थोड़ा सोच के खाइए ना. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल, आपकी सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर काम आएगी. तो आज हमारे साथ थी एक वंडरफुल डाइटिशियन डॉक्टर सोनल कोल्दे और इनकी बातें हम ज़रूर ध्यान में रखिए. इन्होंने जैसा कहा कि आपको खाने से दूर नहीं भागना है, आपको खाना खाना है लेकिन आपको उसकी हैबिट्स मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है. किस तरह खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, हर चीज़ खाइए लेकिन कंट्रोल के साथ खाइए, लिमिट के साथ खाइए. ज़िंदगी बहुत हसीन है, उसे उसी तरह से जिए. ज़्यादा टेंशन लेके एंजाइटीज़ में जाके ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हामर करने वाली है और आपके फ्यूचर को भी और आपके जो करियर हैं, आपके जो गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको दिक्कत होने वाली है. तो फिर मिलेगी किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, अब तक लिए दीजिएगा इजाज़त. देखते रहिए BKB न्यूज़. नमस्कार. बीमारियों से अगर आप हैं परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार. डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ VKB न्यूज़ पर.